माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ समय पहले मेरे विचार में एक दो महीना हो गया है, मैं एक ऑर्थोडॉक्स चर्च का डीकन के विवाह में भाग लेने के लिए गया था। ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर पुरोहिताई जो मिलने के पहले ऑर्डिनेशन के पूर्व में जो डीकन स्थान जब मिलता है उस समय पर उनको विवाह करना जरूरी है। मार्थोमाइट चर्च में हमें मालूम है पुरोहित बनने के बाद उन लोग विवाह करते हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स चर्च में पुरोहिताभिषेक के बाद विवाह नहीं कर सकता। इसलिए जिनको विवाह करना है, नहीं करने वाले भी बहुत लोग होता है, केवल वही बिशप वगैरह बनते हैं, लेकिन जो विवाह करते हैं वो डीकन बनने के बाद, पुरोहित बनने के पूर्व में होता है। तो मेरे ही एक रिलेटिव का बेटी का विवाह ऐसे एक ऑर्थोडॉक्स डीकन के साथ, उनका ऑर्डिनेशन इसी साल में होने वाला भी है, तो उनका विवाह हुआ। उस विवाह में जब भाग ले रहा था, विवाह का जो मुख्य कर्मी जो है उनका बिशप था। मैं आज के क्लास लेने का एक ही उद्देश्य है, मुझे उस विवाह के बीच में जो बिशप द्वारा एक टॉक दिया, मुझे बहुत स्पर्श किया, इसलिए मैं वो क्लास ले रहा हूं। उस बिशप ने उस नवविवाहित डीकन और उनके पत्नी, जो पुरोहित बनने के बाद उनके पत्नी को भी एक अच्छा स्थान दिया जाता है, मलयालम में कोच्चम्मा कहते हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड रीति से उनके पत्नी को, पुरोहित का पत्नी को बुलाने के लिए ऐसे एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो पुरोहित वो बिशप अपने सर्मन में यही बताया, अभी ये डीकन है और अभी कुछ ही महीने के अंदर इन्हें पुरोहिताभिषेक मिलेगा, और उसके साथ साथ उनके पत्नी भी ऐसा कोच्चम्मा बनने वाला है, तो इनका कुछ ऐसे दायित्व है। आज डीकन, लेकिन कल वो पुरोहित बन रहा है, तो उनको उपदेश देते हुए बिशप ने कहा, आपको अपने जीवन में कुछ बातों पर ध्यान रखना है। विवाह किया, वैवाहिक जीवन अच्छी जीवन है, अच्छा जीवन जिए, और कलीसिया के अन्य परिवारों के लिए उदाहरण आप कपल्स को बनने की जरूरत भी है। और उस डीकन के विषय में बिशप ने अच्छा कहा, जब ये ब्रदर उड़े तब से कुछ ऐसा संस्था से जुड़ करके जो बुजुर्गों का, रोगियों का सेवा करने वाला, और जैसे कैंसर पेशेंट वगैरह का ये जो सेवा करने वाला, ऐसा कुछ उनके चर्च का कार्य जो कर रहा है, और इनके विवाह पूर्व में बिशप को इनवाइट करने के लिए ये डीकन जब पहुंचा, तब बातों बातों में डीकन ने बिशप से आग्रह किया, मेरे ऑर्डिनेशन के बाद भी मुझे ऐसा ही कार्य करने के लिए नियुक्त करना, कोई नहीं चाहता है ऐसे जगह पर पुरोहित बनने के बाद जाए सेवा करें, उनको अच्छा पारिश मिले, पैसा वगैरह कमा सकता है, ऐसा ऐसा जगह,
लेकिन इस डीकन ने बिशप से आग्रह किया, बोलता है मैं चाहता हूं ऐसे जो दुखित पीड़ितों का सेवा करते हुए और सेवा करूं, इसलिए मुझे यहां पर पुनः अपॉइंट करना जब मैं प्रीस्ट बनूंगा, ऐसा कर करके डिमांड किया करके। अर्थात बिशप बहुत उनका तारीफ करते हुए बोल रहा है अब दूसरों की सेवा करने का एक आग इनके हृदय में जल रहा है। तो बिशप ने उनसे कहा विवाह के बाद ये आग बुझना नहीं चाहिए। अनेकों लोग पुरोहित बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए या प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ करके आते हैं, कुछ आग जला हुआ है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर अनेकों लोगों के अंदर से वो आग बुझता हुआ देखते हैं। जितना रुचि बाइबल पढ़ने के लिए उन दिनों में था, आज वो बाइबल ही नहीं उठाते। प्रार्थना करने के लिए घंटों घुटने टेक करके प्रार्थना करने का वो जो आग पुरोहित बनने के बाद कई बार बुझ जाते। इस प्रकार का ये आग को बुझने नहीं देना। इसके बाद उनके पत्नी से आग्रह किया इनमें जो आग है उसको जलाए रखने का काम आपका है, आपके कारण या आपको ईश्वर जो देने वाले संतानों के कारण इनके अंदर जो प्रभु की सेवा, प्रभु के लोगों की सेवा, कलीसिया की सेवा करने के लिए इनमें जो उत्साह है, आनंद है, ये कभी नहीं बुझना चाहिए, बल्कि उसको जलाए रखना। जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ 17वां अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब जोशुआ लड़ाई कर रहा था, शत्रुओं से लड़ने के लिए निकला, तब मूसा नबी अपने भाई हारून और हूर के साथ पहाड़ पर चढ़ते हैं और वहां पर वो प्रार्थना करते हैं, हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करते हैं। एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17:8 से आगे हम लोग ये पढ़ सकता है, पूरे अध्याय में इसी के विषय में लिखा हुआ। जब जोशुआ लड़ रहा था अमालिकियों से रफीदीम नाम का वो जगह पर, उस समय पर मूसा नबी लड़ने के लिए नहीं गया, बल्कि मूसा और हारून हूर के साथ पहाड़ पर चढ़ करके वहां पर हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना कर रहे थे। इस डीकन से ही आग्रह किया जब तुम लड़ेंगे, कलीसिया में सेवा करने के लिए निकलेंगे, घर में एक पत्नी प्रार्थना करने वाली होना चाहिए। उनका काम है प्रार्थना करते रहे। जो सेवा करने के लिए वो निकला है उसमें विजय हो। जब इनका हाथ थक गया, हाथ नीचे किया, जोशुआ का हार शुरू हुआ। जिस दिन घर में प्रार्थना खत्म हुआ, बंद हुआ, बाइबल पढ़ना बंद हुआ, पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता, पराजय, शैतान, शत्रु हमारे घर के अंदर आक्रमण करने का समय। जब परिवार मिलकर के प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, पढ़ने पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसमें सफलता होगा। मैं एक एग्जाम्पल मेरे जीवन से भी देना चाहूंगा। अभी बोलते बोलते याद आ गया, जब मुझे याद है हम लोग जबलपुर में जब रहते वक्त मेरी बुजुर्ग मम्मी, उस समय पर करीब 90 के करीब उम्र है, उस समय पर 85-90 के बीच वाला समय, मेरे बेटी 10th class 12th class ये जो बोर्ड एग्जाम वगैरह के लिए जब जा रहे थे, मुझे आज भी याद है, मैं मेरे मम्मी के साथ
मान लो 10 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक उनका एग्जाम का टाइमिंग है, हम लोग उस समय से पूर्व में बैठ जाता है प्रार्थना करने के लिए। जब तक 2 नहीं बजेगा, वो परीक्षा का समय पूरा नहीं होगा, हम लोग प्रार्थना में रहे, रोजरियां जपते रहे, बच्चों के लिए सब प्रार्थना करते रहे। एक बार नहीं, हर परीक्षा में इसका फल है। केवल एक ही बच्चे के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए ही करता था। इसका फल है बच्चों का अच्छा जीवन, अच्छा विजय, नौकरी अच्छा। इस प्रकार प्रार्थना का एक सपोर्ट हमेशा घर में होना जरूरी है। प्रार्थना का माहौल, ईश्वर ने हमें किस कार्य के लिए चुना है? कई लोग सोचेगा मुझे नौकरी करना है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दिन भर पैसा कमाने के विषय में। नहीं, प्रभु ने उसके लिए नहीं चुना। प्रभु ने प्रभु में एक होकर के जीवन जीने के लिए आपका आत्मा को बचाओ। अभी एक दो दिन पहले ही तो मैंने उसके विषय में क्लास लिया। आप हमारा स्वयं का मुक्ति और हमारे जीवन के द्वारा अन्य लोगों में प्रचार, हमारे जीवन का उदाहरण, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा, चाहे हमारे चाल चलन, चाहे किसी भी ऑफिस में हम काम कर रहा है, अन्य लोगों में और आप में क्या फर्क है? आपके जीवन को देखकर, आपका स्वभाव को देखकर, आपके बातचीत को देखकर, आपके काम को देखकर अन्य लोग आपसे कितने बार पूछा कि आप ईसाई हैं? आपका जीवन उदाहरण बनना है। ये उदाहरण का जीवन, प्रार्थना का जीवन, सेवा का जीवन के विषय में बिशप ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस दिन वहां पर बताया। दूसरा एक पॉइंट और मुझे मजेदार लगा। बिशप ने उनसे कहा विवाह है, फोटो वगैरह खींचना है। विवाह में उन लोग पुरोहिता, वही जो डीकन का ड्रेस, ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक टोपी भी है, टोपी सब पहन करके, बेल्ट सब डाल करके, उनका कैसक सब पहन करके ही विवाह में भाग लिया, उसी में विवाह हुआ। बिशप ने कहा जिस ड्रेस पहन करके, जिस वस्त्र को, पवित्र वस्त्र को धारण कर आप दोनों आवज एक बन रहा है, एक सूत्र में बन रहा है। हो सकता है आप लोगों के मन में कुछ आ जाए, अन्य लोगों के समान हम भी थोड़ा ये कपड़ा सब हटा करके, थोड़ा अन्य ड्रेस पहन करके, थोड़ा फैशन का ड्रेस पहन करके हम वहां जाकर के थोड़ा फोटो खींचे, वीडियो ले। बिशप ने कहा मैं उसका खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस वीडियो को, उस फोटो को आप अपने एल्बम में ही रखो आपको देखने के लिए। आपका इस पुरोहिताय वस्त्र के बगैर कोई भी फोटो आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया में नहीं दिखना चाहिए। ये मेरा आदेश है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नवविवाहित लोग हो सकता है ऐसा कार्य करेगा, लेकिन इनका, बिशप का कहना है आप में और अन्य लोगों में यही फर्क है। आप अभी तुरंत पुरोहित बनने वाला है। जब कभी आपको लोग देखे पुरोहिताय वस्त्र में देखे, चाहे आपका पत्नी आपके साथ में हो, वो आप कलीसिया में अनुमति है, लेकिन आप अपना पुरोहिताय वस्त्र में ही किसी भी सोशल मीडिया फोटो में आना है। एक बिशप, एक डीकन को इतना शक्ति से आदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा यह आदेश केवल आपके लिए नहीं है, हमारे सभी पुरोहितों के लिए। किसी भी पुरोहित का जो पुरोहिताय वस्त्र के बगैर फोटो सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा।
पवित्र बाइबल के अंदर पुरोहिताई के लिए विशेष वस्त्र, उसके अंदर कुछ अनुग्रह आशीष उनमें दे रहा है। दूसरा, उनका मान सम्मान उसके साथ जुड़ा हुआ है। उस पवित्र वस्त्र इसलिए मूसा नबी के द्वारा हारून और उनके पुत्रों के लिए मूसा नबी के द्वारा सिलवाया है, बनवाया है, ताकि उनका वो जो आदर सम्मान उनको जो मिलना चाहिए इस वस्त्र पहनने के द्वारा। मैं पहले फौज में था, मुझे मालूम है यूनिफॉर्म का क्या फायदा है। यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस हम लोग यही बोलते हैं। कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो सिविल ड्रेस में जाते हैं, छिपाने के लिए, हम लोग सिपाही ये नहीं है करके। अनुमति था कुछ वार समय, ऐसे ऐसे कुछ समय पर वो अनुमति नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है जब आर्मी यूनिफॉर्म जब पहनते हैं उस समय पर हमारे शोल्डर और थोड़ा ऊंचा हो जाता है, हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आ जाता है। हमें मार्च करने में, हमें काम करने में हमारा ढंग बदल जाता है, रीति बदल जाता है। ये वस्त्र हमारे जीवन को बहुत बदलाव ला करके देता है। इसी प्रकार है पुरोहिताई वस्त्र, ईश्वर ने दिया हुआ वस्त्र है। कई पुरोहित लोग उसको प्यार नहीं कर रहा है। मिस्सा बलिदान के लिए भी कई बार मुझे रोना आया है। जो वस्त्र कलीसिया द्वारा निर्धारित है उसको ना पहन करके मिस्सा अर्पित करने वाले, कैसे तो छोड़ दो। मिस्सा के लिए आए कैसक नहीं है, किसी और पल्ली से बुलाया कैसक नहीं, पैंट शर्ट पहन कर, शर्ट भी नहीं, बनियन टी शर्ट, देखने में दुख होता है। कई लोग अनजाने में अनादर भी किया है, कई पुरोहितों को अनजाने में अनादर, केवल इसके कारण पहचाना नहीं है ना, पहचानने में नहीं है, माथे पर तो लिखा नहीं है पुरोहित, लेकिन वो अपने यूनिफॉर्म में जब रहता है कितना आदर सम्मान मिलते हैं। मैंने देखा है बस वगैरह में चढ़ते हैं कहीं भी, आजकल तो कोई पुरोहित बस में नहीं चढ़ते हैं, सब कार में है, कहीं भी जाएं जो अपने यूनिफॉर्म में है उनको आदर मिलता हुआ, आदर देता हुआ लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग ऐसे लोगों का आदर देता हुआ मैंने देखा है, और अपमानित होता हुआ जो वस्त्र धारण नहीं किया उनका अपमानित होता हुआ भी देखा। इसलिए हमें एक निर्णय करना है। ये बिशप का ये उपदेश मुझे बहुत स्पर्श किया। बिशप ने स्ट्रिक्टली बोला कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए सोशल मीडिया में, कहीं भी हाँ नया नया शादी हुआ है पत्नी के साथ सिविल ड्रेस में, प्राइवेट ड्रेस में फोटो खींचते हैं डालते हैं, बोला खींच लो, आपके कैमरा में, आपके मोबाइल में, आपके एल्बम के अंदर रहना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। कई मैरिज में जाते वक्त अन्य चर्चों में, विशेषकर मैं बोलूंगा पेंटेकोस्टल चर्चेस, प्रार्थना के पहले आग्रह करता है जितने भी जो पेंटेकोस्टल बहने हैं सिर पर कपड़ा डाल दो। मैंने आज तक किसी कैथोलिक चर्च में इसको अनाउंस करता हुआ नहीं सुना है। एक मैरिज और मुझे याद आ रहा है, एक मर्तोमा चर्च का मैरिज, मर्तोमाइट चर्च में गया था, वहां बिशप मैरिज देते हैं, बिशप मैरिज देने आया था। समय आया, लड़का लड़की खड़े हैं, और जब बिशप मैरिज देने के लिए उनका जो पर्दा से वेदी को ढकता है उसको हटाया, जब बिशप बाहर निकला,
बिशप ने लड़का लड़की की ओर देखा, तुरंत बिशप वापस गया जो वेदी के पास एक चेयर डाला हुआ था, बिशप जहां बैठा हुआ था वहां जाकर के फिर से बैठ गया। सब लोग देख रहे क्या हो गया, बिशप वहां तक आया आकर के तुरंत वापस जाकर के वहां जाकर के बैठ गया। उस पल्ली के पल्ली पुरोहित गया बिशप के पास, उन लोग आपस में कुछ बात करता हुआ हमने सुना, देखा, सुना नहीं देखा। और वो पल्ली पुरोहित आकर के लड़का लड़की के पास आए, विशेषकर जो लड़की के सपोर्टर्स में जो लोग खड़े हैं उनसे कुछ बात करता हुआ, और थोड़ी देर के अंदर हमने देखा कहीं से एक नेट लेकर के आए, इस लड़की के सिर पर एक नेट डलवाया। तब पता चला लड़की जो नववधू सिर को ढके बगैर शादी करवाने के लिए वहां खड़ी थी, उसको देख करके बिशप चुपचाप चला गया, बिशप ने कुछ नहीं बोला। और पल्ली पुरोहित गया तो पल्ली पुरोहित को बोला उसके सिर को ढकवाओ, इसके बाद मैं आऊंगा। ढकने के बाद फिर वो पल्ली पुरोहित जाकर के बिशप को बोला, बिशप आए, बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह से विवाह दिया, एक भी शब्द उसके विषय में बोला भी नहीं, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। चर्च का नियम अगर बनाया है कुछ उसका पालन होना चाहिए, वो इंश्योर करना अधिकारियों का कर्तव्य है, अन्यथा ईश्वर उनसे पूछेगा मेरे बच्चे के विषय में मेरे कैसे है क्या है, ये देखना मेरा कर्तव्य है। मेरा बच्चा प्रार्थना नहीं करते, मेरा बच्चा चर्च नहीं जा रहा है, मेरा बच्चा पाप में है, मुझसे प्रभु पूछेगा। हेवा अगर देखेगा तो हेवा ने शैतान के हाथ में पड़ करके फल को तोड़कर खाया, लेकिन ईश्वर ने पूछा आदम से, हेवा से नहीं पूछा, आदम से पहले पूछा, आदम क्यों क्या हो गया, हमें उत्तर देना पड़ेगा। जिसको भी जिम्मेदारी दिया, एक पल्ली एक पुरोहित को दिया, उस पल्ली का हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आ रहा है कि नहीं, घर में प्रार्थना होता है कि नहीं, मिस्सा बलिदान में आता है कि नहीं, उनका आचरण कैसे है, उनके बच्चे कैसे हैं, ये सब देखना उस पल्ली का जिम्मेदारी, आत्मिक एवं भौतिक बातों पर ध्यान देने वाला वो पुरोहित होना चाहिए। यदि वो पुरोहित उनके लिए उदाहरण का जीवन नहीं है, उनको सही शिक्षा नहीं दे रहा है, भेड़ों को नष्ट होता हुआ देख रहा है, उनको कोई दुख नहीं है, ईश्वर उनसे पूछेगा। बिशप का डीकन के साथ ये जो संदेश है, मैं उसका तारीफ करता हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम स्वयं जितने भी लोग मुझे सुन रहा है एक निर्णय करें, मैं भी ऐसे एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, प्रभु ने मुझे चुना है वचन सुनाने, वचन जीने, परिवार को देखने, कलीसिया को देखने, मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण है कि नहीं, या अन्य लोगों को बुरे संदेश देने वाला कोई कर्म कोई चित्र कुछ भी होता है कि नहीं। निर्णय कीजिए एक अच्छा जीवन जीने का, प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।